लगते रहते हो, औरंगजेब की औलाद नहीं हो, कभी कोई काम खुद भी कर लिया करो। कोई काम खुद भी कर लिया करो। गरीब की बच्ची गरीब ही बात करेगी। आपको कौन सी टाइम की कमी है? हाँ, पाजी इनके पास इतना ज्यादा फालतू टाइम है कि जब ये टॉयलेट में जाते ना 1.5 घंटे से पहले बाहर नहीं आते, इतना फालतू टाइम है। और मैं गाने का रियाज करता हूँ अंदर, इसको क्या पता? आपको पता नहीं घर में एक ही टॉयलेट है, अंदर आप रियाज करते हैं, बाहर दादी परफॉर्मेंस पे उतर आती है। नहीं नहीं, शादी हुई जवाई की कितनी इज्जत होती बताओ आप? बहुत। मैं गया, इसकी माँ सुबह साग, शाम को साग, रात को साग, अगले दिन फिर साग, अगले दिन दोपहर को फिर साग, अगले दिन रात को बेशर्म होकर पता नहीं क्यों पूछ रही, कहती बेटा आज आपके लिए क्या बनाए? मैं कहा मेरे को जिस खेत से ला रहे वही छोड़ा, मैं खुद चल लूंगा। फिर इसका बाप पर शादी के अगले दिन हम लोग फेरा डालने गए, चाय पानी के नाम पे सुबह पानी, शाम को पानी, रात को पानी, अगले दिन उठा मेरे अंदर से भी पानी निकलेगा। फिर मेरे को पूछ रहा है आज क्या खाएंगे? मैंने कहा भाई बात ऐसी है, पानी पीते पीते ना मेरे गले में पानी अटक गया, 1 चम्मच चावल खिला दो। इतनी प्रॉब्लम है तो शादी क्यों की? भाग क्यों नहीं गए? घोड़ी में रिवर्स गियर नहीं होता, नहीं तो भाग जाता मैं। घोड़ी पे आए थे? अच्छा, गधे पे बैठ के आए थे, सब जानती हूँ मैं घोड़ी पे गया था। इसका भाई यार मुझे देख के खुश होगा, उसने कंधे पे उठा लिया। उस वक्त तूने देखा होगा, तेरे को तब गधा लगा वो। इनके पिताजी की बात सुनो आपको। एक भिखारी आया बेचारा, कहता बाबूजी गर्मी बड़ी, कुल्फी खिला दो। उसको कुल्फी खिला के उसका कंबल छीन लिया। तेरे को तो पहले गर्मी लग रही है। अरे तुम क्यों बुरा मान रही हो? कसूर तो भिखारी का ना जो गर्मी में कंबल लेके घूम रहा था। पापा ने छीन लिया तो अच्छा ही किया ना। भाई गर्मी हो सर्दी हो हर मौसम के चुटकुले हैं इनके पास। तो क्या करें, इनके पिताजी हरकतें ऐसी करते बाजी। मौसम बदल जाते हैं, इनके पिताजी नहीं बदलते। मैं जा रही हूँ। जा, तू जाती हुई अच्छी लगती है। और तू गाया मत कर, जैसे तेरा मुंह, अपने मुंह से तानपुरा बजाया कर बैठ के आराम से। हाँ, आपको तो बस यही सब कुछ आता है। हाँ, नहीं तो आपको पता नहीं, लेकिन मैं अपनी कॉलेज की बेस्ट सिंगर हुआ करती थी। कौन सा कॉलेज? कौन सा? जहाँ 8वीं तक पढ़ाते उसको कॉलेज स्कूल बोलते, उसको कॉलेज बोल देती है। बड़ी आई बातें करती कॉलेज की। आपको ना शर्मा जी टैलेंट की कोई कदर नहीं है, तो आपसे शादी होगी, वरना किसी जोशी ने कहा था पाजी कि ना किसी दिन मैं फिल्मों में गाना गाऊंगी। वही जोशी आधे घंटे बाद पुलिस पकड़ के लेगी उसको कच्ची शराब बेचने के जुर्म में। जोशी है। बातें छोड़िए, बेबी का नाम करने, सजावट भी तो करनी है। सजावट करनी है तो करना सजावट। इतने बड़े बड़े होड़ दिए, एक बार में दर्जन गुब्बारे बुला के लगाया यहाँ पे। शर्मा जी इनफ, बकवास मत कीजिए आप, मेहमान आने वाले हैं आज। हाँ, एक तुम्हारे पिताजी ने इतने बच्चे पैदा करके मेहमानों की फौज खड़ी कर रखी है, और कौन से मेहमान बुलाने हमें? कुछ शर्म नहीं आती पापा के बारे में ऐसा बोलते हुए? उनको करते हुए शर्म ना आए, हम बोलते हुए भी शर्माए। वाह।